चुपचाप देख रही हूँ आज पापा किचन में मेरे छोटे, उधर किचन है उधर किचन में पापा। आज पापा सब्जी बना रहे हैं। हमारे पापा जी किचन में है, मेरी जगह ये देखो। क्या बना रहे हो पापा जी? ये बेसन के पकौड़े बना रहे पकौड़े तो ना लग रहे हैं ये पकौड़े हैं, ये स्टाइल वाले हैं। स्टाइल वाले हाँ। आज हमारे पापा जी सब्जी बना रहे हैं, मेरी छुट्टी आज। इनको क्या बोलते हैं? ये गूलर बोलते हैं वैसे तो बेसन के। अच्छा, बेसन के। लेकिन कोई समझे ना समझे ये पकौड़े बनते हैं। सही बात है, ये है बेसन के गूलर। पहले आपने गूंदा बेसन को? हाँ। अच्छा, टाइट टाइट गूंद लिया। हाँ जी। फिर अब इनको बेल रहे हो रोटी के जैसे। अच्छा, ये देखो मैं पूरी रेसिपी दिखा देती हूँ आपको, कम मत समझना। हमारे पापा जी को बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। आज बोले मैं बनाता हूँ, तू रहने दे। ये पापा की फेवरेट सब्जी है, पापा की, मम्मी की, सबकी। मैंने भी नहीं खाए थे कभी, एक दिन पापा ने ही खिलाए थे, बना के तो अच्छे लगे थे। आज मजा आने वाला है। मोक्ष, आपको अच्छे लगते हैं ये? नहीं इसको भी अच्छे लगते हैं। मैं ना नहीं करती यार, बोल देता यार अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब ये उबलेंगे इसमें? हाँ जी, ये पानी में उबलेंगे अभी। अच्छा, फिर इनके पीस करे जाएंगे, फिर ये मसाले में फ्राई होंगे। अच्छा अच्छा, फ्राई होने के बाद सूखे भी खाए जाएंगे और तरी वाले भी। तरी वाले। अच्छा चलो, अभी ये बन जाए फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरी सब्जी कैसे बनती है। अभी तो ये उबलेंगे, इसको बहुत टाइम लगने वाला है। अभी तो और भी बहुत है इसमें, तो इसके वीडियो इसकी बाद में दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनते हैं पूरे। आज पूरी रेसिपी दिखाएंगे आपको गूलर की, पापा के हाथ के गूलर। तो अभी हमारे गूलर उबल रहे हैं, इनको टाइम लगेगा गाइस। अभी मैं इसको ओपन करके देख रही हूँ और मुझे नहीं पता ये अभी पके नहीं पते हैं, पके हैं मतलब। तो ये हमारे गूलर अभी रेडी हो चुके हैं, ये पक चुके हैं। हाँ पापा बना रहे हैं आज। ऐसे क्यों लग रहा था गले ना? गले नहीं है, अब वो थोड़े से पानी में चिपक से जाते हैं ना, ज्यादा पक गए थे ये कभी पूरी बनी थी। सही आज के साथ अच्छे टाइट है। हाँ, आज के शेफ पापा, आज के शेफ है पापा। वैसे मुझे कूलर पसंद नहीं है, बट पापा बना रहे हैं तो मैं खाऊंगा खाऊंगा टेस्ट करूंगा। है नहीं खाऊंगा कुछ और खाऊंगा, लेकिन खाने पड़ेंगे। नायशा भी खाएगी है नायशा। तो मेरे दांत आ गए हैं, अब मैं खा सकती हूँ। ले काट ले ले। नो कह रही है पहले बनाओ, ऐसे थोड़ी खा लूंगी। मेरे बीच लग जाएगी फिर। नहीं खाऊंगी मैं। अच्छा नहीं, कह रही पहले बनाओ। तो आप कटेगा लहसुन प्याज? इतना सारा लहसुन नहीं, थोड़ा सा डलेगा मतलब इसके हिसाब। पापा बताएंगे अभी कितना डलेगा। ये पीसा जाएगा मसाला, सर डालो क्या? आप तो शेफ मत ही बनना, पता नहीं क्या क्या डाल दोगे। भाई मैं तो क्रिएटिव माइंड से मैं काम करता हूँ, मैं जितने भी कार्य होते हैं मैं या तो बेकार बिगाड़ देता हूँ या फिर बहुत अच्छा बना देता। ये कट चुके हैं, अब सब में बटेंगे। चलो मैं इतने लहसुन प्याज रेडी कर लेती हूँ, इसको पीस के फिर हमें मसाले को भूनना है। अभी तो धनिया पड़ेगा, धनिया पड़ेगा इसमें, अभी गरम मसाला भी पड़ेगा। वो तो रह गया, वो तो जरूरी है। ये देखने में कि रोटी जैसे लग रहे थे, कितने अच्छे लग रहे हैं ये स्लाइसेस, कितनी प्यारी लग रही है ये देखना। सोचो ये खाने में कितने अच्छे लगेंगे। अब ये सब कटेंगे ऐसे ही। ये तो स्प्रिंग रोल जैसे नहीं लग रहे हैं ना? स्प्रिंग रोल गोल गोल होते हैं, ऐसे ही होते हैं वो भी, है ना? नायशा भी देख रही है कि आज बाबा क्या बना रहे हैं, नायशा के लिए बना रहे हैं। मसाला हमारा पिस चुका है यहाँ पे और गूलर सारे कट चुके हैं, तेल गरम हो रहा है। अच्छा बढ़िया रहा है टमाटर पड़ने को छेड़ रहे हैं आपको
पापा काट रहे हैं धनिया, तेल बस हो गया है और अब मम्मी जी आगे मसाला, मम्मी जी ट्राई करेंगी आगे, और हमारे जो जज हैं वो हमारे मम्मी जी हैं जो टेस्ट करेंगे इसको बनने के बाद, है ना ईशा? मसाला भी भुन चुका है, गुलर भी डाल चुके हैं, धनिया भी डाल चुका है, और ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं बाप रे। अब इनमें वो भी डालोगे तरी, पानी डालोगे? तो ये सूखे बन गए हैं, आप इसको सूखे भी बना सकते हो और तरी वाले भी बना सकते हो। कुछ पापा निकालेंगे सूखे, क्योंकि सूखे का भी खाने का टेस्ट अलग होता है, और फिर इसमें डाल देंगे पानी और ये तरी वाले भी बन जाएंगे। बन गए तैयार हो, ये तैयार हो चुके हैं अभी सूखे। अब थोड़े से निकाल लेंगे सूखे और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी, जो कि हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। गरम पानी डालते हैं तो क्या हो गया बेटा, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये सूखे निकाल लिए हैं पापा ने खाने के लिए, अब इतने गुलर में हम डाल देंगे पानी। आजा आजा मेरे पास आजा, आओ इसमें डल गया है पानी। सब्जी हमारी पूरी प्रॉपर बनके तैयार हो जाएगी। सूखे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं खाने पीने में। ये नाइशा मजे आएंगे, गुलर खाएंगे। हाँ कैसे लगे अपने हाथ के बनाए हुए? मम्मी कैसे लगे आपको? बढ़िया, मस्त, एक नंबर के। भैया आपको? बढ़िया, सबको अच्छा लगे। अब मैं भी टेस्ट करूंगी थोड़ा सा इसमें से काट के। कह रहा मैं भी, आपने कहा है मोक्ष? थोड़ा कैमरे में आओ जरा, कैमरे में आओ जरा सामने। चेस्टिया आज तो मस्त सब्जी खिला दी पापा ने। थैंक यू पापा जी, पापा ने थैंक यू सुनाई नहीं मेरा। थैंक यू। ओके ओके ओके, गुलाल एक नंबर के। मजा आ गया ना? मजा आ गया।